सॉरी 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 सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। हाँ भाई बताता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीआईपी शॉर्ट्स, जहाँ हम कुछ अतरंगी बातों के साथ वापस आ गए हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको बताए कि वो प्रेग्नेंट है तो आप उसे क्या कहेंगे? यही ना कि बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, जानकर खुशी हुई। पर ये इंडिया है भाई साहब, यहाँ पर लोग कहते हैं कि अरे यार फेक बेबी बम्प होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की, तो हमारे यहाँ के कुछ लोग खुश नहीं हुए बल्कि फेक बेबी बम्प वाली न्यूज को ट्रेंडिंग बना दिया। तो उन लोगों की तरफ से मैंने ही सॉरी बोल दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि यार ये फेक बेबी बम्प जैसा कुछ होता है। बचपन में पेट पे तकिया लगाने वाला सीन तो देखा था मूवीज में, लेकिन ये फेक बेबी बम्प कुछ ज्यादा ही हो गया। वैसे हमारी मीडिया भी कम नहीं है। प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद दीपिका को हर जगह पेपराइजेस ने जमकर कैप्चर किया और कमेंट सेक्शन तो इस बात से भरा पड़ा है। इतनी टाइट ड्रेस पहनी है, फेक बेबी बम्प, हिल्स वाली सैंडल, फेक बेबी बम्प, वेट गेन नहीं हुआ, फेक बेबी बम्प, इतनी फिट कैसे, फेक बेबी बम्प। अरे यार, दो कार के बीच से निकलने वाला एक वीडियो था, उसको लेकर भी ये तक लिख दिया गया कि इतने कम गैप में से तो तभी निकल सकते हैं जब ये फेक बेबी बम्प हो। हाँ तो भाई, अभी इन सभी बातों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, क्योंकि दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उनकी तस्वीरें जहाँ पर उनका प्यारा सा बेबी बम्प क्लियरली विजिबल है। तो इस बात पे भी लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया, ऐसा कर रहे हैं, वैसी फोटोज लेते हैं। तो यार, लोग जब पेट नहीं दिखता था तब फेक प्रेगनेंसी IVF सरोगेसी जैसी बातें कर रहे थे, अब पेट दिखा दिया तो भी ट्रोल कर रहे हैं। इससे तो ये क्लियर है बॉस कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप अपने पे ध्यान दो, बाकी बकवास करने के लिए तो लोग है ही। बाकी हमारी तरफ से दीपिका एंड रणवीर को ढेर सारी बधाइयां एंड हेल्दी एंड हैप्पी बेबी के लिए प्रार्थनाएं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और अच्छा बोलिए।